नमस्कार दोस्तों, ये है 4440 का ऑडियो बोर्ड, जो कि सीडी और डीवीडी में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो इस बोर्ड में और इस बोर्ड में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही तार है बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें ये 7805 ट्रांजिस्टर लगा होता है और इस बोर्ड में 7805 ट्रांजिस्टर नहीं लगा होता है। बस यही अंतर है इन दोनों बोर्ड में, लेकिन इसमें अलग से 7805 ट्रांजिस्टर लगा करके और इसमें ब्लूटूथ पैनल लगा करके इसको चला करके दिखाएंगे। तो आज इस बोर्ड के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे स्पीकर के, तो उसके लिए दो और दो अलग अलग दो दो बार ले लिए हैं, एक हरे रंग का और एक नीले रंग का। तो इसको दोस्तों लगाना है, देखिए तीसरे नंबर की पेन और पांचवें नंबर की पेन, और ये इस दूसरी आईसी में तीसरे नंबर की पेन और पांचवें नंबर की पेन। ठीक है, तो बारी बारी से चारों वायरों को लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीन नंबर और पांच नंबर की पिन पर इस आईसी में भी और इस आईसी में भी, दोनों आईसी में वायर को लगा दिया है। अब इसको लगा देते हैं सॉकेट में। ठीक है, यह है स्पीकर सॉकेट जो कि एम्पलीफायर में बाद में लगेगा, इसको बाद में एम्पलीफायर के कैबिनेट में फिट कर देंगे, लेकिन अभी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है, तो इस तरह से स्पीकर सॉकेट में वायर को लगा दिया है। उसके बाद में दोस्तों कनेक्शन करेंगे मेन वॉल्यूम के। देखिए दोस्तों, इसमें डबल पोल का वॉल्यूम लगाएंगे, एक ही वॉल्यूम में दोनों आईसी का कनेक्शन होगा। ठीक है, एक ही वॉल्यूम से आवाज दोनों की कम ज्यादा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से वॉल्यूम को पकड़ना है। देखिए, ये वाली जो पिन होती है वो होती है ग्राउंड। ठीक है, और ये वाली ऑडियो और ये वाली इनपुट है। ठीक है, तो ग्राउंड वाली पिन है, उनमें एक ही वायर लग जाएगा, इसलिए इन दोनों वायरों को इस तरह से आपस में सोल्ड कर देंगे, जिससे कि इसमें एक ही वायर में दोनों वॉल्यूम काम करेंगे। ठीक है, तो इसको कर दिया सोल्ड। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए एक ये काले रंग के वायर को लिया हुआ है, तो इसको लगाएंगे जो वॉल्यूम में दो वायर इकट्ठी कर ली है उसमें इस वायर को लगा लेना है, क्योंकि ये ग्राउंड में वायर को लगाएंगे। ठीक है, तो इस वायर को लगाएंगे ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड होता है जहां पे देखिए ये कैपेसिटर लगा होता है बड़ा सा 47-25 वोल्टेज का, तो उसमें ये माइनस वाला सिरा, देखिए जिस तरह पट्टी होती है माइनस का सिरा होता है, तो ये लगाया है ग्राउंड में। देखिए यहाँ पर ये वाली ट्रैक जहां भी फैली हुई है, ये वाली ट्रैक वो सभी एरिया ग्राउंड है, तो इसको यहां पर सोल्ड कर देंगे ग्राउंड में। उसके बाद में दो ये पीले रंग के वायर लिए हुए हैं, इनको लगाएंगे वॉल्यूम के बीच वाली पिन में। ठीक है, दोनों वायर को अलग अलग बीच वाली पिन में लगा लेना है। ठीक है, अब इनको लगा लेते हैं। देखिए आईसी की जो दो नंबर की पिन होती है, ये वाली पिन, ये वाली होती है ऑडियो की। ठीक है, तो यहां से एक रेजिस्टेंस उतारा कनेक्शन, यहां से यहां पर आ गया है। ठीक है, और यहां से निकल करके यहां पर आ गया है, तो ये पहले नंबर की पिन एक आईसी की है ऑडियो की। अगर चाहें तो इसको यहां पर सोल्ड भी कर सकते हैं, यहां पर भी, लेकिन यहां पर ही सोल्ड करें क्योंकि यहीं पे सभी वॉल्यूम के वायर इकट्ठे लग जाएंगे। उसके बाद में ये वॉल्यूम का दूसरा वायर है ऑडियो का, तो ये लगेगा जस्ट उसके पास में, क्योंकि इसकी जो दूसरे नंबर की आईसी है उसका भी देखिए वायर, उसकी भी देखिए पिन यहां से निकल करके, यहां से निकल कर यहां पर आ गई, और देखिए यहां से यहां पर आ गई है ट्रैक इसकी, तो इसको भी यहां पर सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों वायर पास पास लग गए ऑडियो के। उसके बाद में देखिए ये वाली ग्राउंड की वायर है, तो ग्राउंड का यहां पर वायर लगा दिया है। उसके बाद में इसमें इनपुट वाली पिन में दो वायर लगाने हैं, तो उसके लिए ये दो वायर ले लिए हैं नारंगी कलर के, तो चलिए इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो वायर लगा लिए इनपुट वाली पिन में, अब इनको भी बारी बारी से एक इस पॉइंट पर सोल्ड कर देना है, दूसरा वायर इस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मेन वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें कनेक्शन करेंगे बेस और ट्रेबल के वॉल्यूम के। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों वॉल्यूम को इस तरह से लगा दिया है, ये बेस के लिए और ये ट्रेबल के लिए। तो उसके लिए देखिए ये थ्री वायर इकट्ठे हैं, काली कत्थई लाल, तो इनको बारी बारी से लगा लेना है। सबसे पहले काली वायर, उसके बाद कत्थई वायर, उसके बाद में लाल वायर।
ठीक है। तो सभी बोलियों में इसी तरह के वायर लगा लेने हैं, काले कत्थई लाल सभी पिनों पर सेम ही तरह के वायर लगा लिए हैं। तो इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। देखिए यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले बेस के काले कत्थई और लाल, ठीक है। उसके बाद में इस दूसरे वाले वॉल्यूम का कनेक्शन लेना है, क्योंकि ये बेस का हो गया और ये ट्रेवल का हो गया, तो उसके भी उसी तरह से लगाने हैं, काले काले कत्थई लाल, काले कत्थई लाल, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों वॉल्यूम के फिर से लगाने हैं, पहले बेस के वॉल्यूम के, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद में ट्रेवल के वॉल्यूम के, ट्रेवल दोनों वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। तो अब इसके बाद में कनेक्शन करेंगे ब्लूटूथ पैनल के। तो उसके लिए इसमें लगाएंगे ये ट्रांजिस्टर, 78.05 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो उसमें देखिए ये वाली पिन होती है 12 वोल्टेज, ये वाली ग्राउंड और सबसे लास्ट वाली ये वाली होती है 5 वोल्टेज, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं, देखिए इस बीच वाली पिन को लगाएंगे ग्राउंड में इस वाली पिन पर, और प्लस की लगाएंगे यहां पर, ठीक है, एक यहां पर एक यहां पर, इस तरह से पकड़ लेना है। तो सबसे पहले प्लस 12 वोल्टेज की पिन, उसके बाद में बीच वाली है वो है ग्राउंड की, तो उसको यहां पर सोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों पिने सोल्ड कर दी है, बीच वाली ग्राउंड में और लास्ट वाली 12 वोल्टेज में। अब सबसे लास्ट वाली है ये वाली होती है 5 वोल्टेज की। तो चलिए ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन कर लेते हैं। यह है दोस्तों ब्लूटूथ पैनल। तो इसमें दो वायर लगी हुई है, काले रंग की है वो ग्राउंड में लगी हुई है, और लाल रंग की है वो प्लस 5 वोल्टेज की है, और यह 3 पिन का सॉकेट जो ऑडियो आउटपुट की वायर है। तो इसके बीच वाली वायर है वो इसके बीचों बीच वाली पिन में लग जाएगी, ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन में जो ग्राउंड में लगी है उसमें लग गई है, और जो दूसरी वाली है वायर ये लगेगी 5 वोल्टेज पर, ठीक है। उसके बाद में ये 3 वायर बचे हुए हैं इसके, तो इसमें जो बीच वाली वायर है वो भी ग्राउंड है, तो इसको लगा देंगे इस वाले पॉइंट पर। देखिए ये 3 पिन का जो सॉकेट बना हुआ है, इसमें बीच वाली पिन है वो बीच में लगेगी, ठीक है। इस ट्रैक पर यहां पर सोल्ड कर दिया है, और लेफ्ट राइट के यहां पर और यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। अब सिर्फ कनेक्शन बचे हुए हैं बैटरी के वायर के और ट्रांसफार्मर के। तो बैटरी के वायर के लिए दो वायर ली हुई है, एक नीले रंग की लगाएंगे ग्राउंड में और लाल वाली लगाएंगे इस डायोड में, जो डायोड लगा हुआ है कि उल्टे सीधे वायर लगने के लिए, उल्टे सीधे वायर लगाएंगे तो ये खराब नहीं होगी, सिर्फ सीधे पर ही चलेगी। तो इस तरह से डायोड के एक सिरे में लगा दिया लाल वायर, और ग्राउंड में लगाएंगे ये नीला वायर, ठीक है। तो अब कनेक्शन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के। तो ये दोस्तों ट्रांसफार्मर 12012 2 एम्पीयर का ये ट्रांसफार्मर है। तो इस तरफ ये है बिजली की वायर, और ये इस तरफ है डीसी 12 वोल्टेज की वायर, ठीक है। तो इनको लगा देना है एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, जो कि डायोड के बीचों बीच वाले पॉइंट है ये। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के भी कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। यह है दोस्तों बिजली का बोर्ड। तो चलिए इसको लगाते हैं बिजली के बोर्ड में। देखिए लाइट है ब्लूटूथ पैनल में आ गई है। तो अब इसमें स्पीकर लगा करके इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। यह है दोस्तों स्पीकर। तो इसके वायर लगा लेते हैं इस सॉकेट में। Thank you.
तरह से दोस्तों देखिए मेन वॉल्यूम और बेस ट्रेबल सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। चलिए दूसरी आईसी भी चेक करके दिखा देते हैं। ये एक नंबर की आईसी हो गई और ये दो नंबर की आईसी। तो इस तरह से दोस्तों आप 44-40 डबल आईसी के ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।